दोस्तों नमस्कार, भिवानी के लोक कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भिवानी से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बापोड़ा। ये गांव बहुत लोकप्रिय है इसलिए कि इस गांव ने भारतीय सेना को जर्नल दिया है। इसी गांव में एक छोटा जर्नल भी है, नाम होता है नवीन जय हिंद। नवीन जय हिंद भारतीय सेना में रहे। नवीन जय हिंद ने सैनिकों के सम्मान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। नवीन जय हिंद ने लाल चौक पे जाके 3 बार हम सबको प्राणों से प्यारा तिरंगा लहराया है। नवीन जय हिंद ने सैकड़ों नहीं हजारों शहीदों की प्रतिमा उनके गांव में स्थापित करने का कार्य किया है और नवीन जय हिंद ने लाखों पेड़ लगाए हैं। एक ऐसा हीरा इस बापोड़ा में पैदा हुआ नवीन जय हिंद के रूप में, और मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ में इसका युवक का इसलिए अधिक अभिनंदन करता हूं कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रचार मंत्री भी हैं। आइए मिलते हैं नवीन जय हिंद से। नवीन जी नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया राजेश भाई। वाह वाह वाह। नवीन भाई, छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम आपने कर डाले, थोड़ा सा अपना बचपन, अपनी यादें, अपने परिवार, अपने गांव के बारे में भिवानी के लोगों को बताइएगा। राजेश भाई, मैं हरियाणा के उस ऐतिहासिक गांव से आता हूं और मुझे अपने आप पे फख्र भी होता है कि मैं उस माटी में जन्मा। वो वीरों का भूमि के साथ साथ अमर शहीद मथन सिंह, जिन्होंने वीर चक्र प्राप्त किया भारतीय सेना में, अमर शहीद प्रताप, जिन्होंने शौर्य के साथ जो है उस कारगिल युद्ध में जो है वो अपना बलिदान दिया, मैं उस गांव से आता हूं। जनरल वीके सिंह का नाम से उस गांव को जाना जाता है। मेरे पिताजी पंडित बसेश्वर लाल जी, उन्हीं के आदर्शों से, उन्हीं की कार्यशैली से और उनके कामों को देख करके ही यहाँ पर जो कुछ करने का जीवन में मौका मिला। लगातार वो 40 साल से गांव में जो जोहड़ होते हैं, पोखर होते हैं, उनको बचाने का कार्य उन्होंने पूरे जीवन किया। उसके साथ साथ गांव में दहेज प्रथा और बेटियों को, शादीशुदा बेटियों को छोड़ करके तलाक की जो परंपराएं थी, उन पे अंकुश लगाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने घर परिवारों को जो है वो जोड़ने का लगातार काम किया। गौर रक्षा के साथ गांव की पंचायत में जब मैं छोटा सा था तो मैं घर में देखता था कि 50-50, 100-100 लोग दूर दूर से लोग आते थे। जो आपसी झगड़ा हो जाता था उसमें बाऊजी को लेकर के जाते थे, तो उन जो बुजुर्गों की सेवा करने का मौका जो है वो उनको पानी पिलाना, होका पिलाना, तो बचपन से जब वो चीज़ें देखी तो उन चीज़ों से ही कुछ प्रेरणा मिली। इस प्रेरणा में जो लगातार स्टूडेंट यूनियन के तौर पर, एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर जो हैं सुरेश शर्मा जी, उनसे भी मुझे काफ़ी जो है प्रभावित हुआ, प्रेरणा मिली। जो आज गृह मंत्रालय में डायरेक्टर चित्रलेखा जी हैं, उनके मार्गदर्शन से भी हमें जो है वो काफ़ी आगे जाने का जो है वो मौका मिला। राजेश भाई, स्कूल मेरा जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापोड़ा में ही जो है मेरी पढ़ाई हुई जी। पढ़ाई के दौरान में जो है मैं स्टार्टिंग से एनसीसी का जो है वो कैडिट रहा, और ये सौभाग्य मुझे एनसीसी में मिला कि एनसीसी के 12 कैंप करने का मौका मुझे मिला। मैं पहला स्कूल का जो है वो पहला ही ऐसा स्टूडेंट था जिसको सबसे ज़्यादा कैंप करने का मौका मिला, और वो भी ज़्यादातर जो है जिसमें से 8 से ज़्यादा मुझे सार्जेंट के तौर पर लीड करने का मौका मिला, और जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कहीं पे नाम नहीं आता था। उस नेतृत्व के दौरान में 8 बार जो है हम डिस्ट्रिक्ट और बटालियन लेवल पर जो है वो फर्स्ट रहे। उसके बाद जो है मेरी पढ़ाई के बाद मुझे जो है जयपुर में स्पोर्ट्स के नाते जो है जाना पड़ा, और स्पोर्ट्स में वहीं पर जो है उससे पहले जो मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने भी भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी। स्पोर्ट्स में ही वो भी उन्होंने राष्ट्रीय
नेशनल स्तर पे स्टेट और जो है खेलों में जो है अवार्ड उसमें वो किया, उसके बाद वो भारतीय सेना में गए। उनसे जब ये प्रेरित और प्रेरणा जब मिली तो मुझे भी जब उनकी रुड़की के अंदर पोस्टिंग थी तो मैं उनसे मिलने गया हुआ था, तो वहाँ पर सेना का एक कैंप लगा हुआ था, तो उस सेना के कैंप में मुझे भी वो दौड़ने का मौका मिला, क्योंकि स्पोर्ट्स में होने के नाते जो है, और मेरा जो है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। सिलेक्शन होने के साथ भारतीय सेना जो गार्ड रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है, जो बहुत मजबूत फोर्स जो है इंडियन आर्मी की है, उसमें सौभाग्य मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला 2001 में। सेना के बाद जब कई बार जो मन दुखी हुआ, वो दुखी ये हुआ कि सेना में रहते हुए बाहर के कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हमेशा तिरंगा वहाँ कश्मीर में जला देते, हाथ में बंदूक, सीने में जलन, और फिर भी कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ राजनीति के दबाव में आकर वहाँ पर रुक जाया करता था। वो दर्द एक मन में था, और उस दर्द को पूरा करने के लिए उस टाइम पर लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे थे, और बार बार एक नाम आ रहा था, आतंकवादी हाफिज शहीद, हाफिज शहीद, हाफिज शहीद, हाफिज शहीद, और याकूब मेनन का जो है उनका लगातार बोलबाला था। तो वो एक मन में टीस, और जो साथ के जवान जो है जो शहीद हो जाते थे, वो एक मन में दर्द बैठ गया, और निर्णय लिया कि जिस लाल चौकिया कश्मीर की बात करते हैं तो बस उस कश्मीर को ही जो है अब सपना बनाएंगे, और जिन शहीदों या सैनिकों की जो मांग है, अगर बेल्ट की नौकरी में अगर नहीं कर सकते, तो 2005 में मैंने वॉलंटियरली जो है वो रिटायरमेंट ले ली। जी, रिटायरमेंट लेने के बाद लगातार मैं जो है गाँव की यात्राओं पर जो है वो निकल गया, 6,841 गाँव की जो है वो यात्रा जो है जो की, और फिर पूरे भारत में जो है, चाहे वो पंजाब हुआ, चाहे गुजरात हुआ, चाहे अहमदाबाद हुआ, चाहे मुंबई हुआ, वहाँ तक जाकर के मुझे शहीदों की प्रतिमाओं को लगवाने का 1008 जय हिंद मंच के माध्यम से 1008 शहीदों की प्रतिमाओं को लगाने और उनका योगदान देने में मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला परिवारों के साथ। राजेश भाई, ये दर्द हर किसी के मन में आ जाता है, सैनिक सबको अच्छा लगता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वास्तविकता जब पूछिए, जब एक सैनिक का शव उसके गांव में आता है, तो पूछिए उस सरपंच से, और पूछिए उस माँ से, और पूछिए उस बहन से कि उस पर क्या बीतती है। 80 साल की उम्र में जब उसका डोगा छिन जाता है तो आंखों से पानी हो जाता है, लेकिन बुरा तब हो जाता है, राजनीति के लोग वहाँ पर आते हैं और आ करके उस दाह संस्कार के दिन काफले के साथ सरकारों की गाड़ियाँ लाल बत्तियाँ चू चू करती हुई इस गांव में आती हैं और आ करके कह देते हैं कि मैं 10 लाख 20 लाख इसको परिवार को नौकरी और सब चीज़ें दे दूँ, वो दे देते हैं। लेकिन 13 दिन बीत जाते हैं, 13 महीने बीत जाते हैं, 13 साल बीत जाते हैं, वो बाप मर जाता है, वो वीर नारी आस में मर जाती है, और वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा करके लूट जाते हैं, और परिवार में झगड़ा और विवाद हो जाता है, इसलिए कि दूसरा आदमी सोचता है कि परिवार वालों को तो सहायता दे दी मंत्री जी ने, घोषणा कर दी, मंत्रियों के पास जब जाया जाता है तो मंत्री कह देता है तो मेरी तो सरकार बदल गई, अब जो सरकार आई है वो इस पे करेगी। तो इस टीस को लेकर के बार बार सरकारों के विरुद्ध, सरकारों की नीतियों के विरुद्ध, सरकारों के विरुद्ध नहीं उनकी नीतियों के विरुद्ध, शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए बार बार यात्राएं करनी पड़ी। जब जनतंत्र मोर्चा जब बनाया गया बिहार के अंदर, उसके बाद एक निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं पूरे भारत में एक जनतंत्र यात्रा निकाली जाए, जिसमें वर्ल्ड सूफी काउंसिलिंग के चेयरमैन सूफी जिलानी, जनरल वीके सिंह जी और अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जो है वो यात्रा हुई। वो सौभाग्य मुझे अन्ना जी की तरफ से मिला कि उन्होंने पूरे भारत की उस यात्रा का जिम्मा जो है वो हमें सौंपा, कि उस यात्रा की पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी जो बाघा बॉर्डर से शुरू होकर के पूरे उसमें चली गई। उसी यात्रा के दौरान हमारी जो मुलाकात जो है
वो परमार्थ आश्रम में चिदानंद मुनि जी से हुई, जो गंगा बचाओ के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते थे। जब उस गंगा तट पर जो है, जो गंगा आरती के जो मशहूर होती है, वहाँ पर जब चिदानंद मुनि जी ने सब सारी चीज़ों को देखा, तो उन्होंने हमें गंगा तट पर यह शपथ दिलाई कि शपथ लें कि जब आप पूरे भारत में जाएं, तो जहाँ पर भी जाएं, तो पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ ना बांटें बल्कि पेड़ लगाएं, केक ना काटें, अगर केक काटते हैं तो केक काटो, लेकिन केक के साथ जब भी किसी का जन्मदिन हो तो उस पे पेड़ जरूर लगाएं। तो तब ये पर्यावरण की जो है वो मुहिम मिली। 15 अगस्त 2016 में जब हमारे जब जवान शहीद हुए, हाफिज शहीद ने भारतीय सेना को ये चेतावनी दी कि कोई माई का लाल कश्मीर पे आकर के दिखाए, तब जय हिंद मंच ने उसके उस चैलेंज को स्वीकार किया। सौभाग्य है मुझे और मैं आभारी हूँ जय हिंद मंच के प्रत्येक उस कार्यकर्ता का जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास किया कि मैं उस मुहिम को आगे बढ़ा करके लेके जाऊंगा। जब वो यात्रा वहां से निकली, सरकारों ने कई बार उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया, कई बार उस मोड़ों पर जो है अड़ंगे डालने चाहे, लेकिन साध्वी रितंबरा जी को भी मैं आज इस अपनी दिल्ली के माध्यम से सैल्यूट करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों के सम्मान की बात है तो मैं भी इस मुहिम में साथ हूं, और दिल्ली के अंदर जो है उस यात्रा का उन्होंने जो है वो स्वागत और अभिनंदन भी किया। जब वहां पर गए, कश्मीर में तनाव की बात थी, भारी जो है वहां पर पत्थरबाजी, और वहां के जो लोग हैं वो लगातार हमें थ्रेट दे रहे थे, लगातार मारने की धमकियां दे रहे थे, वो गीगड़ भक्तियां जो हैं। मैं सुबह की फ्लाइट से जब वहां पर गया तो वहां का जो माहौल था बहुत बुरा था। 15 अगस्त के दिन वहां पर मुझे ऑफर मिला कि मैं वहां पर मोहम्मद मुफ्ती के साथ जो है वहां की जो सीएम है वहां पर जाकर के झंडा जो है वो लहरा ले, क्योंकि उसी पार्क में झंडा लहराया जाता है। तो लेकिन हम झंडा शहीदों के सम्मान का लेकर के गए थे, तो इसलिए हम कश्मीर के लाल चौक पर गए। वहां पर भारतीय सेना के जवानों से मैं मिला, उन जवानों की पीड़ाएं या दर्द मैं जानता हूं। हाथ में बंदूक थी लेकिन वो अधिकृत तौर पे हम इसलिए नहीं बता सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि वो बेल्ट की ड्यूटियों में बंधे होते हैं, लेकिन आग मैं उनकी जान चुका था और मुझे विश्वास था, उन फौजियों ने मुझे पर विश्वास था कि मेरे सीने पर गोली लगने से पहले वो अगली गोलियों को ही वहाँ पर एक चादर बना देंगे और मुझे सेफ निकाल देंगे। मुझे इतना भी मेरी भारतीय सेना पर भरोसा है, क्योंकि संसार की सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत सेना है भारतीय सेना। उसके बाद जब वहाँ पर तिरंगा फहरा करके आए, उसके बाद उन्होंने फिर उड़ी के अंदर हमारे 16 जवानों को जो है शहीद कर दिया। हम आभारी हैं उस सरकार के कि सरकार ने पहली बार ठोस कदम उठा करके सर्जिकल स्ट्राइक जैसा जो है एक बड़ा कदम उठाया, बड़ा कदम उठाया। जय हिंद मंच ने सबसे पहले उन लोगों को यह चेतावनी दी, सरकारों को, जो सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, भारतीय सेना ने करी थी, और भारतीय सेना का प्रत्येक जवान अपनी जान की बाजी लगाकर इसके सीमा में घुसा था, तो सेना के सम्मान की लड़ाई थी, उसके साथ थे। इसलिए दोबारा फिर 2 अक्टूबर 2016 को शांति के लिए, कि भारत और पाकिस्तान में शांति रहे, हिंदू और मुस्लिम की शांति रहे, उसके लिए 2 अक्टूबर को फिर दोबारा से जो है मैं वहां कश्मीर के लाल चौक पर शांति यात्रा के लिए गए। वहां पर गांधी जी के साथ रहे हुए सुबा राव जी, जलपुरुष राजेंद्र जी, विनायक राव पाटिल जी और हम जो 6-7 लोगों का एक मीटिंग जो है वहां कश्मीर के अंदर, वहां कश्मीर के जो संगठन हैं उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग भी हुई। वहां पर हमने उन लोगों के सामने जब ये सवाल रखा कि आप इस तरह का क्यों वो करते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दूसरा रोजगार नहीं है, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, हम भूखे रहते हैं, यहाँ कर्फ्यू लगा रहता है। तो उस कर्फ्यू की आड़ में वहाँ के जो संगठन हैं वो उन बेरोजगार युवाओं को भटका देते हैं और उनके घरों में पैसा दे करके हथियार उठाने पर मजबूर कर देते हैं।
सरकारों से अपील है यहां पर कि वहां जो कश्मीर के युवा जो हैं उनको रोजगार दे करके दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे महानगरों में जो है वो आप नौकरियों पर लेकर के आइए, और यहां के जो युवा हैं उनको वहां पर काम के लिए जो है वो भेजिए। अपने आप जब अदला और बदलाव होगा तो अपने आप युद्ध की जो स्थिति है या जो तनाव की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब अपने घर को बसाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तब भी हुआ जब उस कश्मीर की यात्रा के दौरान में मुझे पता लगा कि एक 13 साल की मुस्लिम लड़की ने ये सौगंध खाई थी, अहमदाबाद की एक लड़की ने, कि मैं भी कश्मीर के लाल चौक पर जाना चाहती हूँ और हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए जाना चाहती हूँ, और उसको एयरपोर्ट पर सरकारों द्वारा रोक लिया गया। द न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल की वो 13 साल की छात्रा, उसके जो प्रिंसिपल योगेश श्रीधर थे, उनको जब पता चला कि ऐसे दिल्ली में कोई जो है जहिंद मंच के कोई नवीन जहिंद जो है वो गाय, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। दुर्भाग्य की बात राजेश भाई, वहां से सरकारों ने उस बच्ची को विदा किया, वहां के मुख्यमंत्री ने उसको विदा किया, वहां के दूसरे मंत्रियों ने उसको विदा किया, और फिर एयरपोर्ट पर उसको रोक दिया गया। तो हम, भारत हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो फिर ये क्यों अपवाद? तो फिर उस 13 साल की लड़की को अहमदाबाद से लेकर के फिर उसी लाल चौक की उस जमीन पर उस तिरंगे को लगाया और तिरंगे को फहराया। उसके बाद जब जाट आरक्षण हरियाणा में हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा ये हुई, आंदोलन करने का सबका अधिकार है, हम किसी जाति के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध नहीं थे या कोई चीजें नहीं थी। हमने अपने शहर को, अपने गांव को, हरियाणा को बचाने के लिए प्रत्येक गांव में जो है वो यूनिटें लगाई। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि सरकारों ने सेना की छवि खराब करने के लिए जाट आंदोलन में सेना का प्रयोग किया। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो होती हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं वो घरेलू मामलों को सुलझाने के लिए होती हैं, तो उसमें सेना का दुरुपयोग क्यों? सेना की छवि को खराब करने के लिए चंद नेताओं ने सेना को उतार दिया। सेना को ट्रेनिंग जब बाहर की लड़ाइयां लड़ने की दी जाती है तो उसको घरेलू मामले में क्यों? तो वो सरकार का एक गलत कदम था जिसके विरुद्ध हमने ये आवाज उठाई। मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री से मिलकर के ये कहा कि सेना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जो धर्म के संस्थान हैं, चाहे वो मस्जिद है, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे दूसरे जो संस्थान है, उनके अंदर जो चंदा आता है, जो दान आता है, वो सिर्फ और सिर्फ रक्षा बजट में यूज किया जाना चाहिए। लेकिन वो पुजारियों की जेब और वहां के जो लोग हैं, जो ट्रस्ट हैं, उनकी जेब में हो जाता है। तो इसलिए अगर हज जैसी यात्रा को सब्सिडी मिलती है, अगर JNU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को सब्सिडी मिलती है, तो फिर क्यों नहीं भारतीय सेना को मिलने वाला वेतन और पेंशन टैक्स फ्री होता? हमारे ही टुकड़ों पर पलते हैं। जब उस कन्हैया ने वहां JNU के अंदर भारत तोड़ो के नारे लगाए, तो तब फिर एक बार हम लोगों ने हुंकार भरी जय हिंद मंच ने, और 300 गांव की तिरंगा यात्रा निकाल करके 200 फुट का झंडा उस JNU में फहराया और उसके सामने वाले रोड का नाम शहीद आजम भगत सिंह रखा। इसके बाद जो लगातार 67 साल से वन रैंक वन पेंशन आंदोलन की जो लड़ाई लड़ रहे थे हमारे सैनिक, फिर एक बार जो है वो हुंकार भर करके वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई को जो है वो लड़ा, और दो बार तीन बार हमारी जो है इस मामले में मंत्रालयों में मीटिंग भी हुई, उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद वन रैंक वन पेंशन की जो लड़ाई है वो जीती। पूर्ण रूप से वो लागू नहीं हुआ, लेकिन सरकारें झुकी और सरकारों ने ये चीज मांगी। लेकिन उसी बीच में जन लोकपाल की बात, अन्ना जी ने फिर, किसान मर रहे थे, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आंदोलन के लिए जब पलवल से जब यात्रा शुरू हुई और सैकड़ों और हजारों की संख्या में जब किसान यहां पर आए, सरकार ने फिर झूठे आश्वासन दे दिया कि हम किसानों की
मांग को लेकर के हम सब चीजें लागू कर देंगे, लेकिन फिर धोखा दिया गया। पिछले दिनों उसी पीड़ा को लेकर के माननीय अन्ना हजारे जी ने फिर अनशन रखा। 8 दिन या 9 दिन के अनशन के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्र के कृषि मंत्री जितेंद्र तोमर और महाराष्ट्र के ही मंत्री गिरीश महाजन कृषि मंत्री, वो लोग मंच पर आकर के लिखित में प्रमाण पत्र दे करके गए कि अन्ना जी के द्वारा जो भी मांगे हैं उनको लिखित में मांग लिया जाएगा, लेकिन वो भी एक झूठा आश्वासन। फिर 2 अक्टूबर से जो है वो अन्ना जी को अनशन करना पड़ रहा है। मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि कई बार अन्ना जी के ऊपर सवाल उठा देते हैं कि अन्ना किसी राजनीति का मोहरा है, कि अन्ना दल बदलू है, अन्ना मौके को देख करके आते हैं। उन लोगों को भी अन्ना का सिपाही बताना जाता है कि अन्ना वो शख्सियत है जिसकी गोद में मुख्यमंत्री पलते हैं, जिसके एक कदम चलने से लोग संसद में मंत्री बन जाते हैं, जिसके 2 कदम साथ रहने से लोग गवर्नर बन जाते हैं। अन्ना वो शख्सियत है जिसके एक बार एक मंच पर अगर बैठ जाए तो सरकारों के पिखवाड़े हिल जाते हैं। अन्ना वो शख्सियत है जो केंद्र के भ्रष्ट मंत्री, 18 भ्रष्ट मंत्री, 250 से ज्यादा ऑफिसर्स को जेल भिजवा चुके हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें मौका मिला लोकतंत्र बचाने का। लोकतंत्र बचाने की मुहिम में हरियाणा में जब पंचायती चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ और 5 गांवों में जब फर्जीवाड़ा हुआ, उन 5 गांवों का नेतृत्व करने का मौका जो है वो हमें मिला, जिसमें स्वरूपगढ़, बड़ेसरा जैसे बड़े बड़े गांव जो शक्तिशाली जाति बहुबल गांव बोले जाते हैं, उन गांव में सरकार को नीचे झुका करके दोबारा पंचायत चुनाव करवाए और उनके प्रतिनिधियों को जेल में भेजा, और वहीं पर आज फौजी जो हैं वो सरपंच हैं उन गांव में। तो ये मौका हमें मिला। आपके पास तो बोलने के लिए इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व है अपने आप में। मैं भिवानी के सब लोग आपको इस समय देख रहे हैं कैमरे के ऊपर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, आप हिंदुस्तान स्काउट्स के हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हैं, भिवानी परिवार के आप प्रचार मंत्री हैं, और सैनिक और योद्धाओं के लिए आपने बड़ा काम किया है। आपने बहुत सारे जो काम किए हैं, कोई 10-12 काम पिन पॉइंट करके एक एक लाइन में, सिंगल सिंगल लाइन में आप बता दें कृपा करके। मैं नवीन जय हिंद के मुख से वो 10-12 काम सुनना चाहता हूँ। 1008 जो हैं वो शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई, 500 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग गांवों में जाकर के लगाए गए। उसके बाद बेटी बचाओ के लिए मैं सलूट करता हूं जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी को, जिनके नेतृत्व में वो यात्रा चली जिसको अल्ट्रासाउंड की मशीन, उस मानस खानी मशीन जो बेटी खानी मशीन के नाम से जो है जय हिंद मंच ने उसका नाम दिया था, उसको रथ पर रख करके और एक ऐसी मुहिम बेटी बचाओ की चलाई। बेटी बचाओ के लिए जय हिंद मंच ने लगातार जो है वो काम किया। बेटी बचाओ के साथ मैं आभारी हूं भिवानी परिवार के लोगों का और राजेश भाई आपका भी, कि आप उसके प्रधान हैं जिन्होंने ये संकल्प उठाया था पहली बार कि हम अपने जिलों को विकलांगता मुक्त करेंगे। विकलांगता मुक्त भिवानी परिवार ने एक ऐसा संकल्प उठाया कि शहर को विकलांगता मुक्त बनाने के लिए जब हम उन विकलांगों को लेकर के आते थे तो वो दृश्य देखने लायक था, भिवानी परिवार का वो इतना बड़ा कदम। जो सैनिकों को राशि मिलती है 5 लाख, पहले हरियाणा में 5 लाख रुपए ही शहीद को राशि मिलती थी, लगातार सरकारों में प्रयास कर करके अब वो शहीद की जो राशि है वो 50 लाख रुपए जो है शहीद के परिवार को मिलने लग गई है। उसके बाद गंगा बचाओ यात्रा के तहत जो है, जो गंगा की सफाई में हमारे जो है वो सैकड़ों युवा, जय हिंद मंच की टीम जो है वहां पर गई। इसके बाद आपने सुना होगा कि विदेश की एक टीम एक बार हमारे पास आई थी, उन्होंने जब कहा कि इराक के अंदर जब ये लगातार ऐसी चीजें चल रही हैं, तो उसके अंदर वहां के संगठन के प्रतिनिधि जब आए
तो उनको विदेश में भी शांति के लिए हम बाबा रामदेव चिदानंद मुनि जी और एक यात्रा पर उस पूरी टीम को जो है वो लेकर के गए। स्वच्छता अभियान के तहत जो है वो हमने लगातार गाँव के बच्चों को, यूनिटों को हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के माध्यम से, जय हिंद मंच के माध्यम से, स्कूलों में आज भी हमारी जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर की जो मुहिम चल रही है वो सफाई अभियान की लगातार, और जिसके आखिरी पड़ाव में 29 तारीख राजभवन चंडीगढ़ से यात्रा फिर शुरू हो रही है, जो भिन्न भिन्न जिलों से होती है, भिवानी शहर में ही जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा हाथों से महात्मा गांधी जी की स्टैचू लगाई हुई है, ऐतिहासिक जगह पंडित नेकीराम सभागार के अंदर उस जगह में उस यात्रा का समापन किया जाएगा। उसके साथ जो है उत्तराखंड में जब त्रासदी आई तो उत्तराखंड त्रासदी के दौरान में जो है हमें उत्तराखंड में सहायता देने का, सहयोग करने का जो है वो मौका मिला। उसके बाद जब नेपाल में त्रासदी आई तो हम नेपाल के अंदर भी जो है वो वहां पर उन बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जो है वहां पर गए। इसके अलावा जो लगातार एक ऐसा दृश्य जो पूरा देश जानता है, निर्भया और दामिनी, निर्भया और दामिनी वो बेटी भारत की जो खुद तो नहीं रही लेकिन भारत की उन बेटियों के लिए एक ऐसा सख्त कानून बनवा गई, उस परिवार की लड़ाई को और उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष हुआ उस संघर्ष में हमारा योगदान रहा। बाबा रामदेव जी के साथ जो है वो हमने भारत स्वाभिमान के साथ उनकी जब भी योग की जो प्रक्रियाएं रहीं उसमें हमने बहुत बार जो है वो काम किया। योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो कालका जी के मठाधीश सुरेंद्र अवधित जी के साथ, आचार्य धर्मेंद्र मुनि जी के साथ जो हैं हिंदुत्व की लड़ाई के लिए जो है काफ़ी बार जो है उनके साथ काम करने का मौका जो है वो हमें मिला और अभी भी लगातार उस समाज की लड़ाई में जो हैं वो लगे रहेंगे। जब तक सैनिकों को सम्मान नहीं मिल जाता, शहीदों की प्रतिमाएं इंडिया गेट पर नहीं लग जाती और उनको वेतन पेंशन फ्री नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा लगातार। तो दोस्तों ये बातचीत आपको मुझे बहुत अच्छी लगी होगी और उत्साहजनक रही होगी, तो मुझे गर्व है कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रचार मंत्री इस प्रकार का एक व्यक्तित्व रखते हैं। आइए इस कार्यक्रम को हम विराम नहीं दे रहे हैं, अगले सप्ताह फिर किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। अब विदा लेते हैं, आप सबका धन्यवाद। नवीन जी आपका भी धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।